गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ क्लास का जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है ईटिंग टुगेदर, इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। लास्ट लेसन में हमने स्पाइसेस के बारे में पढ़ा था, तो इस लेसन में हम ईटिंग टुगेदर इन ए फैमिली, यानी आप अपने परिवार में कैसे मतलब एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं उसके बारे में बताया है। तो नाम जैसे ईटिंग टुगेदर, ईटिंग का मतलब होता है खाना और टुगेदर मतलब होता है एक साथ खाना। ईटिंग टुगेदर इन ए फैमिली यानी एक परिवार में आप एक साथ कैसे खाना खाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा आज। ईटिंग टुगेदर इन ए फैमिली क्रिएट्स ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अमंग द मेंबर्स ऑफ फैमिली, यानी एक साथ खाना फैमिली के साथ बैठ करके खाने से क्या होता है बेटा, क्रिएट्स होता है पैदा करना या बनाना या सृजन करना ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यानी वो क्या कर देता है, एक साथ बैठ कर जब हम खाना खाते हैं तो हमारे बीच में एक अच्छा सा संबंध बन जाता है, यानी हमारा जो संबंध है रिलेशन है वो और भी मजबूत हो जाता है। ठीक है, अगर आप परिवार के फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ करके खाना खाते हो, इट बींग्स फैमिली मेम्बर क्लोजर टू वन अदर, यह क्या करता है कि जो परिवार के जो सदस्य हैं उनको एक दूसरे के नज़दीक लाता है। क्लोजर का मतलब नज़दीक होता है। वाइल ईटिंग टुगेदर वी शेयर आवर एक्सपीरियंस, यानी जब कभी भी हम एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं तब हम अपना एक्सपीरियंस यानी अपना अनुभव एक दूसरे के साथ बांटते हैं। ठीक है, थॉट्स अपने विचार यानी हमें सोच, आइडियाज अपने यानी अपनी प्लान जो उनके अपने आइडिया आपके दिमाग में है, विद आवर फैमिली मेम्बर्स, यानी जब हम इस एक साथ बैठकर के खाना खाते हैं तो हमारे जो सोच है या हमारे जो प्लान है, आइडियाज हैं या हमारे जो विचार हैं वो हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि जो हमारा जो रिलेशनशिप यानी हमारा जो संबंध है उनके साथ में, परिवार वालों के साथ में, वो क्या हो जाता है और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है बेटा। ईटिंग टुगेदर ऑन स्पेशल ओकेजन, अब ये तो हमने नॉर्मली हम घर पे खाना खाते हैं जैसे ये फोटो में दिखा रखा है उसके बारे में बात हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसी फंक्शन में हम जब हम खाते हैं तो क्या होता है, वी यूजली गेट टुगेदर विद आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ऑन स्पेशल ओकेजन, यानी खास तौर पर अपने जो मित्र हैं, अपने जो संबंधी सगे संबंधी हैं या अपने जो आपके जो मित्र हैं उनके साथ या परिवार के जो लोग हैं जो बाप से अलग रहते हैं उनके साथ हम स्पेशल ओकेजन पे मिलते हैं। ठीक है, स्पेशल ओकेजन का मतलब कोई फेस्टिवल हो गया, फेस्टिवल है, वेडिंग्स है, बर्थडे यानी किसी का बर्थडे आ गया, किसी की शादी है या किसी के कोई त्यौहार है, हम उस पर एक दूसरे के साथ मिलते हैं। स्पेशल डिशेज आर कुक्ड ऑन द दीज ओकेजन, स्पेशल डिशेज यानी खास तौर पर तैयार किए गए पकवान उस दिन बनाए जाते हैं, उस अवसर पर बनाए जाते हैं। वी इंगेज स्पेशल कुक्स कॉल्ड हलवाज, यानी हमें इनकी बात करें अगर जो फूड आइटम्स की बात कर रहे हैं, हम जो खाना हम बनाते हैं ज़्यादातर हमारे यहाँ पे बनाया जाता है जो खाना वगैरह बनाते हैं वो कौन बनाते हैं, हलवाइज क्या करते हैं, खाना बनाते हैं टू मेक स्पेशल फूड फॉर अस, वो क्या करते हैं हमारे लिए एक खास तौर का खाना बनाते हैं, कौन, हलवाई। दे प्रिपेयर फूड इन लार्ज वेसल्स, वो क्या करते हैं बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाते हैं, क्योंकि बेटा देखो ज़्यादा वेसल्स का मतलब होता है बर्तन, ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो छोटे बर्तन से काम नहीं चलेगा, इसलिए हम क्या करते हैं बर्तन का साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हलवाई बनाते हैं तब। द फूड इज प्लेस्ड इन सर्विंग बाउल्स एंड सर्व्ड इन गुड क्रॉकरी, यानी फिर बाद में क्या करें जब खाना तैयार हो जाता है तब उसको बड़े बड़े कटोरों में डोंगों में भर के रख दिया जाता है ताकि वो बाद में हम जब खाने के रूप में यूज़ का जब करना है उसको ले सकें, और उसके लिए जो अच्छे टाइप के जो क्रोकरीज हैं या बर्तन हैं उनका हम यूज़ करते हैं। ईटिंग टुगेदर ऑन सच ओकेजन ब्रिंग ए लॉट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल ऑफ अस, यानी जब एक इतने सारे लोग एक साथ मिलकर इकट्ठे होते हैं और खाना खाते हैं तो वो उस चीज़ का लुत्फ भी उठाते हैं, यानी जो स्पेशल ओकेजन है या फेस्टिवल है या बर्थडे है उसका वो क्या करते हैं अच्छे से मजा जो है कह सकते हो लुत्फ उठाते हैं। ठीक है, उसके बाद इट क्रिएट्स ए फीलिंग ऑफ ऑन वननेस अमंग आवर फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, इससे क्या हो पता चलता है कि बेटा हमारे जो परिवार के जो लोग हैं उनके साथ मिलजुल कर रहने से क्या हो जाता है हमारी यूनिटी जिसको हम बोलेंगे कि हमारी जो स्ट्रेंथ है उसका हमें पता चल जाता है। तो इसके नेक्स्ट हम आगे देखेंगे बेटा, अगले पेज पे चलेंगे। ईटिंग टुगेदर इन ए सेरेमनी कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है यानी एक समुदाय कह सकते हो एक प्रकार से, एक समुदाय में इकट्ठे लोग जब खाना खाते हैं उनके बारे में डिस्कस होगा बेटा अभी, यानी एक समुदाय में कैसे हम खाना खाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट आएगा देखो ईटिंग टुगेदर इन ए कम्युनिटी, यानी एक कम्युनिटी यानी एक प्रकार से जो समुदाय कह सकते हो, व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल टुगेदर ईट टुगेदर एट ए स्पेशल प्लेस, यानी जब सभी लोग मिल करके एक खास जगह पर इकट्ठे होते हैं, यानी उसको क्या बोलेंगे कम्युनिटी स्पेशल प्लेस, यानी जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिटी प्लेस की बात करना चाहे तो कम्युनिटी ईटिंग पीपल के जहाँ पर इकट्ठे होते हैं, आपने देखा होगा गुरुद्वाराज में, ठीक है, वो वहाँ पर लोग लंगर वगैरह छकते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो फूड प्रिपेयर किया जाता है लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे भोजन बनाया जाता है, और वहाँ के जो कॉमन किचन है यानी बड़े होते हैं उनको लंगर बोला जाता है, और वहाँ से उन लोगों को बिना किसी चार्ज के यानी फ्री में पूरा भोजन खिलाया जाता है, ठीक है। पीपल सिट टुगेदर ऑन द फ्लोर, और वहाँ पर जो लोग हैं एक साथ फर्श पर बैठ करके हैव द सेम फूड एट टाइम, यानी सभी का जो भोजन है वो एक जैसा ही होता है और वहाँ पर वो बैठ कर खाते हैं। द लंगर प्रसाद कंसिस्ट ऑफ दाल रोटी, लंगर की अगर बात की जाए तो उसमें स्पेशली होती हैं दाल और रोटी, वेजिटेबल सब्जी सलाद एंड स्वीट डिश, यानी कोई ना कोई स्वीट व्यंजन यानी मीठा व्यंजन उसके साथ में होता है, ठीक है, दाल रोटी सब्जी और सलाद के साथ कुछ मीठा व्यंजन बनाया जाता है। मैनी पीपल कंसिडर वर्किंग इन द कॉमन किचन, यानी वहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वहाँ पर कॉमन किचन में यानी बड़े किचन में आपको काम करते हुए दिखाई दे जाएंगे, और सर्विंग द फूड टू पीपल एज ए सेवा और सर्विस, और वहाँ के जो लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं सेवा करते हैं, इसको सेवा बोलते हैं बेटा। सेवा का मतलब क्या है कि बिना किसी चार्ज के फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्या करते हैं लोगों को भोजन खिलाते हैं, या वहाँ पर जो काम है सब्जी बनाना है या रोटी बनाना है या उनको सर्व करने का जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं सेवा। तो आज के लिए बेटा हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हमें ईटिंग टुगेदर हम स्कूल में जब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।